शाहपुर पुलिस ने ऑपरेशन गरल अभियान के तहत 60 लीटर कच्ची अवैध अपमिश्रित शराब, 2 किलोग्राम यूरिया व 600 ग्राम नौशादर के साथ 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार अभियुक्तों में जितेंद्र चौहान पुत्र कन्हैया निवासी कृष्णा नगर प्राइवेट कॉलोनी थाना शाहपुर, अखिलेश विश्वकर्मा पुत्र रामगौड़ निवासी जटेपुर उत्तरी थाना गोरखनाथ, श्याम बहादुर पुत्र शांति निवासी शिवपुर शाहबाजगंज थाना शाहपुर तथा कैलाश पुत्र बेनुष निवासी सेंट जॉन्स स्कूल बशारतपुर थाना शाहपुर शामिल हैं। पुलिस ने इनके पास से 60 लीटर कच्ची अवैध अपमिश्रित शराब, 2 किलोग्राम यूरिया व 600 ग्राम नौशादा बरामद किया है। शहर के रिहायशी इलाके पर चल रहे इस अवैध धंधे की खबर मिलते ही पुलिस सख्ते में आ गई और सीओ गोरखनाथ प्रवीण सिंह ने गोरखनाथ थाना क्षेत्र और शाहपुर में छापेमारी करवाते हुए अवैध कच्ची शराब बरामद किया। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए सीओ गोरखनाथ प्रवीण कुमार सिंह ने बताया। आओ आओ, मैं बताऊंगा दरोगा कौन होता है। इसको ले, ये भी तो है वांटेड, वही उसी घर में अभी हम। देखो ये लड़कियां हैं, बंगाल है तो परेशान कैसे था? नहीं, नहीं था ना। मैडम को भेजो, त्योहारों को देखते हुए सामने दुर्गा पूजा है तो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय और एसपी सिटी महोदय द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है कच्ची शराब के खिलाफ, और ऑपरेशन गरल आपके अच्छे संज्ञान में है कि पूरे गोरखपुर जनपद में चल रहा है। उसी के क्रम में कल अरे गोरखनाथ थाने में भी और शाहपुर थाने में भी ये अभियान चलाया गया, जहाँ बड़ी सफलता प्राप्त हुई। विशेषकर शाहपुर थाने में 300 लीटर के तकरीबन अरे कच्ची शराब हमको प्राप्त हुई, इसमें कुल जो गिरफ्तारियाँ भी 4 लोगों की हुई हैं। वहीं अरे गोरखनाथ अरे थाना क्षेत्र में एक महिला की गिरफ्तारी हुई है, 60 अपकारी लिखा गया है, वहाँ से भी कच्ची शराब प्राप्त हुई है। इस प्रकार का अभियान अनवरत चलता रहेगा।